अगर आज हमारा बिटवा आनंद यहाँ होता तो हम उसी को मुखिया बनाते, लेकिन उका तो फुर्सत ही नहीं है, इसलिए हम फैसला किए हैं धनी राम को मुखिया बनाएंगे कुंवरपुर का। कहाँ फंस गए हम लोग? अब हम लोगों की मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। अरे ये तो हमारे बिटवा आनंद की आवाज है। आनंद बिटवा कहाँ है तू? अम्मा हम तो यहाँ तुम्हारे कदमों में अम्मा। अरे बिटवा हमारी वो उलझी बहुरिया और पांचों पोतियाँ नहीं आए? और देखो उधर। कुत्ते के नाती है धनी राम। भगवान ने तोहरी सुन ली, तिलक पहनाते पगड़ी। हाँ तुम बन गए हो कुंवरपुर के मुखिया। भगवान ये पहला लड्डू इसलिए जो आप हमारे बिटवा को गांव वापस ले आए। भगवान और ये दूसरा लड्डू इसलिए कि किसी को पता ना ही चला कि हमको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखत है। और भगवान जी ये तीसरा लड्डू इसलिए है कि बस आप इतना देखना कि हमारा बिटवा शहर वापस ना ही जाए, यहाँ गांव में ही रहे हमारे पास है। और भगवान जी हमें और कुछ भी याद आएगा ना तो हम और लड्डू भी चढ़ाएंगे। हाँ कर रही हो अब तक यहाँ पे? तुम्हें बोला था ना मैंने गरारे करने को, गला खराब है ना? हाँ और अभी तक हमें गांव की हवा की आदत भी नहीं लगी है। दीदी मुझे पता चला है कि कुंवरपुर में सारे लड़के कुंवारे हैं, इसलिए इसे मजाक में कुंवरापुर भी कहते हैं। सच में? हाँ सच्ची? तो मेरी शादी पक्की समझो। पै 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 पै। दीदी दीदी यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ तो ना ही कोई अच्छा ब्यूटी पार्लर है ना ही कोई अच्छा रेस्टोरेंट है ना ही कोई पार्क है। और तो और ये सुनिए, यहाँ बिजली भी दो तीन घंटे ही आती है। क्या जी? अरे तुम ऑन हो गई। कैसे हो मुखिया जी? अरे छोड़ो काय का मुखिया, तुम बताओ तुमको गांव में कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा सुनिए ना, भूत लोक के सभी भूत भूतनियों ने आपको बधाई भेजी है मुखिया बनने पर। अरे काय की बधाई, चलो ठीक है हमारी तरफ से भी उनको धन्यवाद कह देना। अरे आनंद बिटवा। अरे क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो अम्मा, क्या कर रहे हैं तुम ये बताओ कि ये क्या कर दिया आपने? हम गांव में एंटर ही किए थे कि आते हमको मुखिया काहे बना दिया, क्या जरूरत थी? अरे बिटवा जरूरत है हमको नहीं पर ये गांव को तुम जैसा मुखिया का जरूरत है बिटवा। आयो तो दा अम्मा जी, हमको भी जरूरत है गैस के चूल्हे की। आयो तो दा, हम कुछ गलत बोले का? नहीं 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 गलत नहीं बोले। क्या है कि यहाँ गांव में भी गैस का चूल्हा नहीं आया है, लेकिन चिंता मत करो कुछ इंतजाम कर देंगे, है ना? अरे उलझी बहुरिया, सुलझी बहुरिया की तरह लकड़ी काटो, चूल्हा फूको और हम सब के लिए खाना बनाओ, जा। जी अम्मा जी, आई हो तो दा, लड़कियों को पता चलेगा तो भूले से रसोई घर में पैर भी नहीं रखेंगी। हाँ लड़कियों से याद आया, आपकी जो पांचों पोतियां हैं ना, वो बहुत एक नंबर की बिगड़ैल हो गई हैं। अच्छा?
हम उनको गांव इसलिए लेकर आए ताकि आप किसी भी तरह से उनको अच्छे अच्छे संस्कार सिखाओ, वरना इनमें से किसी एक की भी शादी किसी अच्छे घर में नहीं होने वाली है। तुम बिल्कुल फिक्र ना ही करो आनंद बिटुआ, हम एक एक को ठीक कर देंगे। हाँ देखते रहो। लेकिन हमको डर है अम्मा कि तब तक गांव में से कोई भी इनकी शरारतों से बच नहीं पाएगा। अम्मा कहाँ तक भागोगे? अरे बाप रे बाप, अरे धनी चाचा, काले कुत्ते को साहब हम पर क्यों उतार रहे हैं? अच्छा, जो तो अपना मुंह खोला है ना, मनहूस मुंह टप से है, और हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो गए झप से। मुखिया बनते बनते दुखिया बन के रह गए, आज तेरा हिसाब हम पूरा कर देंगे। धनी चाचा, धनी चाचा कहाँ है? आपके मुखिया ना बनने का तो हमें भी बहुत दुख है, आप जानते ही हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, आपको पता भी है आप बहुत ही शानदार किस्म के टोपा है, आप तो जानते ही हैं। हाँ जानते हैं। धनी चाचा, वही काला कुत्ता जो आप पर भौंक रहा था, कहाँ? वहाँ। पकड़िएगा, छोड़िएगा मत। रुक। अरे क्या किया चाचा, छोड़िए। तू रुक। तुमको तो हम बाद में देख लेंगे वरुण बेटा, लेकिन उससे पहले आनंद माथुर को देखना है। बुढ़िया हमसे इतने साल सेवा करवा ली, अब फोकट में हमको पोपट बना दी, मुखिया बना दी अपने बेटे को। आनंद बाबू, तुमसे अगर गांव ना छोड़वा दिया ना, हमारा नाम भी धनी राम नहीं। लेकिन हमने भी तय कर लिया अम्मा, आज के बाद हम ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सच आनंद बिटुआ? हाँ माँ। अरे हमारा बिटुआ। अब तो हम यहीं रहेंगे। जी, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मोटी पतली होने वाली है। हैं? कैसे? चूल्हा फूक फूक के। हमारी अम्मा 5 बिगड़ी हुई पोतियों को सुधार सकती है, लेकिन तुम हमको लगता है ऊपर जाकर भी सुधरी नहीं, यानी कि भगवान भी तुमको सुधार नहीं सके, है ना? अयो दादा, हम ऐसा क्या कर दे जो आप ऐसे कह रहे हैं? अरे अरे हम क्या कह रहे हैं और तुम क्या सुन रही हो? अयो दादा, हम कुछ गलत सुन लिए का? हाँ, अरे हम ये कहना चाह रहे थे कि अरे ये अच्छा कि तुम अपने चेहरे पे कालक लगा ली हो, अब तुमको नजर नहीं लगेगी। अयो दादा, कालिक का इस तरह से हम फूकेंगे ना तो हम सपने में भी करते रहेंगे। एक बात बताइए, आप यहाँ पे लड़कियों को सुधारने लाए कि हमको सुधारने लाए? तुमको? अरे अरे तुम बिगड़ी ही कहाँ हो जो तुमको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। अरे अम्मा, अच्छा अम्मा, खांसती भी आ गई अम्मा, आजा आजा अम्मा आजा। अरे ओ बहुरिया, ये का कर दी हो सारा धुआं धुआं, आज जिंदगी में पहली बार हमका सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। अयो दादा, अम्मा जी आपके साथ तो पहली बार हो रहा है, हमारे गांव आने के बाद तो बहुत कुछ पहली बार और बहुत बार हो रहा है, क्या करें? अरे तुम हमारी उलझी बहुरिया हो ना, इसलिए उलझी उलझी रहती हो। अगर हमारी सुलझी बहुरिया होती ना तो अब तक खाना बना चुकी होती फुर्सत निकाल के। हाँ ए जी, देखा आपने, अम्मा जी की सबसे ज्यादा प्यारी बहुरिया हम ही हैं। एक बात बताओ,
जब तुम जिंदा थी तब क्या तुम रोज अम्मा के सर पे ऐसे तेल लगा के ऐसा चंपी करके उनकी कंघी से ऐसा उनके बाल सुलझाया करती थी? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? हाँ, तभी अम्मा तुमको सुलझी बहुरिया कहती हैं। हाँ, सो तो हम हैं। ए बहुरिया, ए हटो हटो तो हम बताते हैं कि चूल्हा कैसा फूकते हैं। हाँ, अम्मा एक्सपर्ट हैं, अभी देखना कैसा 2 मिनट में आग लगा देंगी पूरे घर मतलब चूल्हे में। ये देखो। अरे माँ, उधर कहाँ फूक रही हो, चूल्हा तो यहाँ है। अरे हमका पता है। अरे हम अगर चूल्हा में फूकेंगे तो बहुरिया क्या तोहरे कान में फूकेगी? अरे उका दिखा रहे हैं कि भैया ऐसे फूकते हैं, हैं? अब लो बहुरिया फूको। अरे अम्मा, ये फूका फाकी छोड़ो और हमारे साथ चलो, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ चलो चलो चलो। उधर कहाँ चल पड़ी अम्मा? अम्मा यू टर्न अम्मा, राइट टर्न, राइट टर्न। अरे सब धुंधला दिख रहा है, इतना धुआं कर दी है तुम्हारी। गलती आपकी नहीं अम्मा, चलो चलो सीढ़ी नंबर 1। अरे अम्मा को देखते ही नर्वस आ जाते, कुछ कर ही नहीं पाते। अब तुम जलोगे कि नहीं? अरे अम्मा एक बात बताओ। हाँ। हम शहर छोड़ के गाँव में इसलिए आए हैं ताकि अपनी बेटियों को सुधारें, और आपने आते ही हमको मुखिया का टोपा पहना दिया ताकि हम गांव को सुधारें। अब ये क्या बात हुई अम्मा? अरे अच्छा याद आया, 1 मिनट। अम्मा, अरे ये किसको पहना रही हो? अब बेटा अब पहना नहीं रहे हैं, हम ये लॉकेट को देख रहे हैं। ये जो लॉकेट है ना, तोहरे पिताजी का था। बस ये को देख कर ना उनकी याद आ गई। ये हमारा खानदानी लॉकेट है। अब ये अब ये तो हर गले में रहेगा। हाँ पहन ले बेटा। हाँ पहन ले। ये पहन कर ना तू अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। हाँ। अरे अम्मा, ये जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन अपनी पोतियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है, जरा उसके बारे में सोचिए ना। अरे तू उन छोरियों की फिक्र ना ही कर, एक एक को सीधा कर देंगे। हाँ, वरना हमारा नाम दुलारी देवी ना ही है। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, हमका एक बात बता, ये तोरी जो लड़की है ना, वो के बारे में कुछ बता। मीनाक्षी? हाँ वो। अरे अम्मा, मीनाक्षी तो ऐसी है कि दो मच्छर में से एक मच्छर को मार दिया। दीदी, दूसरे को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मच्छर नहीं, मच्छरनी थी। औरत हो या लेडी मच्छर, मतलब 2400 घंटे उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है अम्मा। अरे बाप रे बाप, तो कमाल की छोरी है। हाँ। और दूसरी? अम्मा उसके बारे में तो मत ही पूछो तो अच्छा है। इतनी रात को इस नई जगह पे मुझे कौन आवाज दे रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता। सॉरी। अरे हमको दिखाई नहीं देते और राधिका को सुनाई नहीं देते, अब क्या होगा? क्या बोली? कुछ नहीं, तू तीसरी के बारे में बता। हाँ, तीसरी है स्वीटी अम्मा। ओहो, स्वीटी का दिमाग तो वावा है, वावा। सोचने वाली बात तो ये है कि भैंस ने दीवार पर चढ़ के इतना सारा गोबर किया कैसे? ओफो स्वीटी दीदी, ये गोबर नहीं है, ये गोबर के उपले हैं। ओ अच्छा। मतलब कि कंडे हैं, कंडे। ये संडे तो सुना था। अच्छा, मंडे को कंडे कहते हैं। बताओ, ऐसी है स्वीटी। और हाँ बिटुआ, तुहार वो चौथी का नाम तो काजल है ना? हाँ। तो उसके नाम के पीछे एक भाई काहे लगता है बिटुआ? हैं? काजल के आगे भाई क्यों लगा है तो भाई लोग ही बता। अमा जा, मतलब बाहर के लोग ही बता सकते हैं अमा।
तुम्हारी वजह से हम लोग कीचड़ में गिरे। यो ठीक ना हुआ भगवान, क्यों चोटी? हाँ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इन थारे को इस कीचड़ से कौन बचावेगा बता? कीचड़? अब भगवान के लिए हमें छोड़ दो काजल भाई, हमने कुछ नहीं किया। लो कर लो बात, भगवान तो थारा ही नाम है, इसीलिए तो थारे पे ही छोड़ रहे यो कीचड़। और अब लास्ट पीस बची है छोटी। ओह सिर्फ दिखने में छोटी अम्मा, अम्मा ये छोटी तो ऐसी है, ऐसी। सुनो सुनो सुनो, अभी अभी एक खबर मिली है कि माधुर परिवार की चारों बेटियों के बीच में जंग छिड़ गई है। पूरा का पूरा कमरा कुश्ती का मैदान बन गया है। और अगर माधुर परिवार की इज्जत बच भी जाएगी फिर भी कमरे का कोई भी सामान नहीं बच पाएगा। दादी जल्दी चलिए, जल्दी। चलो चलो चलो, मैं सोऊंगी, मैं सोऊंगी। अरे अरे काहे लड़ रहे हो भाई? ये पलंग पर सोने के लिए, एक पलंग और सोने वाले पांच, झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? अब हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, देखो तो। दादी आप सिर्फ होंठ क्यों हिला रही हैं? जो बोलना है साफ साफ बोलिए ना। तो तुम सब कान खोल कर सुनो। अरे जिस तरह तुम लोग बनारस में रह रही थी वो सब यहाँ ना ही चलेगा। अब कल से तुम लोगों को सही रास्ते पे लाने का काम शुरू। हाँ लेकिन दादी गांव में वो सही रास्ता कहाँ है? आप एक बार बता दीजिए ना, फिर देखना हम उस रास्ते पे खुद चलेंगे। हा? चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ पगली। और सुनो कल से रोज सुबह 4 बजे तुम उठोगी। हाँ 4 बजे? हाँ 4 बजे। और उसके बाद क्या करना है वो हम बताएंगे। अब आएगा असली मजा। अरे अरे हट नहीं सकती, कहाँ जल्दी होती है। अरे करना का है दादी, हम लोगों को सुबह 4 बजे उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है पलंग तोड़ के। अब बिटवा हम कह रहे थे कि 4 बज गए। हाँ माँ 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ये का? देखिए माँ देखिए। अरे हम ही पूछ रहे थे कि हमारी उलझी बहुरिया बीना जागी है कि नहीं। हाँ अरे जागी? अम्मा आपके डर से तो वो बहुत पहले उठ गई और नहा धो के तो पूजा करने भी चली गई है। सब बस। लेकिन अम्मा सवाल यह है कि हम अपनी बेटियों को उठाएंगे कैसे अब इतनी जल्दी? वो पानी का चाबी देख रहा है ना? उका खोल दे फिर देखते हैं सब सबके सब जाग जाते हैं। ठीक है अम्मा। ये चाबी हम यहाँ खोलेंगे तो हमारी बेटियां वहाँ उस कमरे में कैसे उठ जाएंगी अम्मा? अरे इका चालू करते ही ना पानी सीधा उन लोगों का कमरा में जाएगा और सबका सब भीगी बिली बनकर बाहर निकल आएंगे। अरे वाह अम्मा क्या आइडिया निकाला है, वाह बहुत अच्छा। अरे आखिर आप अम्मा किसकी हो? हमारी। अरे तुम्हारी ठंडा ठंडा का लग रहा है? क्या हुआ? हमारे सर पे गिर रहा।
अरे अम्मा, ये लड़की लोग चालाकी से पाइप का कनेक्शन खोल दी और पानी हमारे ऊपर ही खुल गया अम्मा। नहीं छोड़ेंगे छोरियों को। ओ देखो अम्मा कैसे देख रही हैं। अच्छा अरे वहाँ नहीं अम्मा, लेफ्ट टर्न। ओ देखो खिड़की से कैसे हंस रही हैं हम पर।